भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, परात्पर परमात्मा श्री गुरु गोविंद के चरणों का प्रसाद, हमारा सौभाग्य जागा है कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य विदेशी पावन धरती दुबई की इस भूमि पर हम आप सबको देख पा रहे हैं। हम अपने आराध्य के चरणों में आप सबके मंगल के लिए बालाजी के चरणों में हम मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। यहां रहने वाले प्रियजन, भारतीय एवं लगभग 170 देशों के लोग इस पावन धरती पर रहते हैं, इस भूमि पर रहते हैं। क्या अद्भुत भूमि है, कलरफुल भी है, रंगीन भी है, संगीत भी है, गीत भी है, राग भी है, अनुराग भी है, और पूरे विश्व को एक जगह अगर खड़े होकर के देखना है तो उसका नाम दुबई है। ऐसी धरती आपको अगर एक जगह पूरे विश्व को देखना चाहते हो, पूरी दुनिया को आप समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया कैसी है, तो आप अनेक देश जाएंगे, ना जाने कितने ईयर आपके गुजर जाएंगे और आप पूरी दुनिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे। पर अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है, देखना है, कल्चर को जानना है, तो आप आओ, कुछ दिन तो गुजारो दुबई में। ऐसी जो आकर हमने यहां पाया, हमको बता रहे थे हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब, कि यहाँ पर 7 स्टेट्स से मिलकर के ये यूएई बना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, तो वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि क्या बात है गुरुजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे। हमने कहा 7 अंक बड़ा प्यारा है। बोले क्यों? हमने कहा आपकी यूएई में 7 स्टेट्स हैं, हमारे सरगम में भी 7 स्वर हैं। हमारे सरगम में केवल 7 स्वर नहीं, जिंदगी के दिन में 7 ही वार हैं। जिंदगी के जो दिन हैं हमारे, उसमें दिन भी हमारे 7 हैं, हमारे सरगम के स्वर भी 7 हैं। और हमारी संस्कृति कहती है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में वर्णन आया, 7 लोक, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल। यूएई में 7 स्टेट हैं, तो हमारी संस्कृति भी एक अद्भुत बात कहती है, भैया हम लोग 7 जन्म के लिए मिलते हैं। यहां का अंक कितना अद्भुत है, 7। ऐसी हम यूएई की है धरती है दुबई, दुबई में हम आप सबको मिल पा रहे, वर्ल्ड सेंटर है जो भी हो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की है। जब डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप बोल रहे थे, तो हमारी बाउंड्री पार हो रही थी, पर जो भी बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, हम ताली बराबर बजा रहे थे। अच्छा ये कौन है, बड़ी अद्भुत कृपा है दोनों तरफ से, केवल डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब को छोड़कर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, उन्हें भी हम समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी ताली बजा रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत समारोह, कितना अद्भुत संस्कृति है। भारत भूमि से हम आए, आप लोगों में से कुछ भारत भूमि के लोग हैं, कुछ नेपाल के, कुछ अन्य देशों के लोग हैं, लेकिन इस आयोजन को देखो आप, त्रिकोणीय है, हम भारत से। इस आयोजन का प्रथम संकल्प लेने वाली हमारी पूनम बहन नेपाल से, हम हिंदुस्तान से, पूनम बहन नेपाल से, आयोजन दुबई में हो रहा। क्या अद्भुत त्रिगुट बना है, कैसा त्रिगुट बना हुआ है। अच्छा, हमारी संस्कृति में देव भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और जिंदगी में 3 चीजों की महत्ता है, और वो 3 चीजें हैं वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। तो अद्भुतता के साथ में यह आयोजन आज प्रारंभ हुआ, सभी प्रियजन पधारे, हम आप सबका बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत कर रहे हैं, और हम धन्यवाद दे रहे हैं
दुबई के जितने भी प्रियजन, शारजहाँ के राज परिवार के लोग भी बैठे, सरकार के यहाँ के ऑफिसर्स भी बैठे, इनको तो भाषा समझ में नहीं आएगी, पर हमारे भैया प्यारे डॉक्टर विवेक ओबराय जी, भैया ओबराय जी आपको समझा देंगे। हम धन्यवाद इसीलिए इस देश को दे रहे हैं और यहाँ के राजा को इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इतना उदार चरता नाम वसुदेव कुटुम्बकम, इतना अद्भुत उदार दिल दिखाया कि आपने 170 देशों की संस्कृतियों को रहने का स्थान दिया और सबका दिल खोल करके स्वागत किया। ये बड़ी बात, एक सीखने योग्य है। कलम जब गए एक जगह तो एक आप हमको डॉक्टर साहब ने मिलवाया किसी को, बहुत अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति थे, रात को चर्चा हो रही थी, हमने उनको पूछा कि आपने ये सब कैसे किया, बोले हमने सबके लिए अपने दरवाजे खोले। और कितना अच्छा मोटिवेशनल सूत्र है, अगर तुम्हें महान बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो, अगर तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति बनना है तो सबका स्वागत करना सीखो। अगर आप सबका स्वागत करोगे स्वभावतः मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं आपकी जय जयकार हो जाएगी, आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो इस भूमि को हम आकर, हम तो पहली बार आए अपनी जिंदगी में और खूब नाम सुन रखा था दुबई दुबई, अब आकर देख लिया है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और भगवान बालाजी करें कि हमको हर साल ऐसे ही भगवाते रहें, और हम तो पूरी दुनिया को भी कहेंगे आज की चर्चा प्रारंभ करने के पहले कि आपको कुछ क्षण दुबई में जरूर गुजारने चाहिए। आप सबका स्वागत करते हुए रामचरितमानस की पंक्ति, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पा।